अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। लंदन, जहां है दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर, जहां भांति भांति के लोग करते हैं बसर। गुजरातियों के लिए लंदन यानी आपनू पोतानू शहर। गुजराती जहां गए वहीं जलसो थाए पूरो। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे गुजराती मनसुख भाई के परिवार से। और कृष्ण प्रेम दोनों मनसुख भाई की यहाँ। अरे यही तो है मनसुख भाई की पत्नी लीजा। मनसुख, मनसुख, come on, sweetheart, come on, you... let me sleep. चलो, come on. Please let me sleep. फटाफट तैयार हो जाओ. It's time to get ready for the office, Mr. Big Businessman. आज ही ले लो. क्यों? बहुत बड़े बिजनेसमैन अपनी बीवी से प्यार नहीं कर सकते? करती है, लेकिन I know, with times, हमें बदलना पड़ता है। Yes, sir, daughter.
जय श्री कृष्णा मन पापा। जय श्री कृष्ण बेटा। सवेरे सवेरे मम्मी को परेशान करना शुरू हाँ। अच्छा दिस इज अ रिमाइंडर मैसेज कि आज मेरा कल्चरल प्रोग्राम है एंड नेक्स्ट वीक इज माय एलोक्यूशन कंपटीशन एंड दिस टाइम माय स्पीच इज गोना बी अबाउट इंडिया, तो प्लीज फ्री रहना ओके। और हाँ, सुहानी का गिफ्ट मैंने इंडिया भेज दिया है और दादी माँ ने आपको फोन करने को कहा है, भूलना मत ओके। ओके आई गॉट टू गो प्रैक्टिस नाउ, आई विल स्पीक टू यू लेटर। बाय मन पापा, आई लव यू। डबल लव यू बेटा। ये रुमझुम भी कमाल है, पता नहीं इसे इतनी सारी चीजें कैसे याद रहती हैं। मतलब तुम्हारा मेरा बर्थडे तो ठीक है, लेकिन सुहानी का बर्थडे, फिर मेरी माँ का बर्थडे, ये सब इसे पता नहीं कैसे याद रहता है। लीजा, लंदन ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत, शोहरत, दौलत, तुम और रुमझुम। देखना इस साल मैं रुमझुम का जन्मदिन बिल्कुल स्पेशल बना दूंगा। मनसुख टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड इस साल एक स्पेशल डॉल बनाएगा, रुमझुम डॉल। रुमझुम, चेहरे पर मुस्कान, माता पिता की जान, सबकी करती फिक्र, ये है इसकी पहचान। दादी माँ का फोन है इंडिया से। अगर कोई संस्कार, शिक्षा और सरलता तीनों का संगम है तो वो है मनसुख भाई की लाडली रुमझुम। हाय दादी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू दादी, आपने मेरा स्पीच देखा? हाँ देखा, शुरू से आखिर तक कंप्यूटर पर, वो भी थेपला और चुंदा खाते हुए। बहुत अच्छा लगा। थेपला चुंदा की मेरा स्पीच दादी? दोनों, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा तेरा चेहरा। तुम यहाँ होती ना तो मैं तुम्हारा माथा चुम लेती। और मैं आपके पाँव छू लेती दादी, वैसे भी इंडिया आते ही चांस तो मिल ही जाएगा। अच्छा दादी, आज सेंटा गिफ्ट फॉर सुहानी। वो तो उसके जन्मदिन से एक दिन पहले ही मिल गया था, हमेशा की तरह। कहाँ है वो, मुझे उसे विश करना है। इसके लिए तो तुम्हें उसके मोबाइल पर ही फोन करना होगा ना, क्योंकि ये तो सुहानी है। सुहानी ऐसी मतवाली, ऐसी मनचली, जिसके समझ में ना आए जिंदगानी। जरूरी नहीं पर हारना कतई मंजूर नहीं, वो है सुहानी। परेशानियां दफा करो, वेलकम करो मस्तियों को, मनमानियां रवा करो, दिल में भरो मस्तियों को।
शू कौन हो तुम लोग, क्यों लाए मुझे यहाँ, समझ गए अपने आप को? बताएंगे बताएंगे कौन है हम लोग। अब पता चलेगा तुझे हम कौन है। अरे वाह क्या फिगर है तेरी यार। बे नहीं एक, एक सीधे हाथ की दूंगा ना तो जमीन में एक फुट गड़ जाएगा, और जो अगर उल्टे हाथ की दे दी तो एक फुट का ही दिखेगा। अबे तेरी तो स्वागत। सुहानी की परछाई इन गुड एंड बैड सिचुएशन जिसने हमेशा है फ्रेंडशिप निभाई, क्योंकि उसके लिए लाइफ का पहला मतलब है सुहानी शुड बी हैप्पी फॉरएवर। सिंड्रेला दादी सो जाओ रात हो गई है। सुहानी ये कोई वक्त है घर आने का? क्या दादी चार ही तो बजे। चार दादी हैप्पी बर्थडे मां, और ये मम्मी की ओर से। थैंक यू डैडी। मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट बोलो क्या चाहिए। मुझे ना वो लेटेस्ट ऑडी चाहिए। ऑडी? यस। ऑलराइट दी। और बेटा कल रात की पार्टी? नहीं 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 चार बज गए, आज रात की पार्टी तक मिल जाएगी। यस जरूर देना, क्योंकि मेरे दोस्तों को बोला है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले। ओके तुम्हारी नई नवेली ऑडी में तुम चले जाना, चलो अब सो जाओ। बाय सिंड्रेला दादी। बाय सिंड्रेला दादी। बाय रश्मिकांत। जी बिगाड़ो और बिगाड़ो अपनी बच्ची को। आज अगर सुहानी की माँ जिंदा होती तो वो क्या करती? माँ मैं क्या, रेखा तो उसे 5 साल की छोड़कर चली गई, उसे मैंने पाला है, इसलिए नहीं कि वो अपनी मर्यादा चूक जाए, संस्कार भूल जाए। माँ अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सुहानी डाई छोकरी है, वरना आजकल के बच्चे वो अब अपने अपने पेरेंट्स से कितना कुछ छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं उनके सामने। हमारी सुहानी कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ कभी कभार पार्टी शार्टी कर लेती है, कभी कभार लेट भी आती है, लेकिन लेट आने से कोई आदमी बुरा नहीं हो जाता माँ। और बच्चे तो परिंदों जैसे होते हैं, और परिंदों का अधिकार है जैसे पंख फूटे कि तुरंत आसमान को छूने। ये सुहानी है ना वो भी अभी उड़ेगी, लेकिन थक जाएगी तो खुद ब खुद नीचे जमीन पर आकर अपना घोंसला बना लेगी। और वैसे भी अभी कहां अकेली उड़ रही है, हमारा स्वागत भी तो है उसके साथ, फिर क्यों परेशान हो रही हो? मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूं,
तुम शायद ठीक कह रहे हो बेटा। वो और कितने दिन रहने वाली है हमारे साथ? वही जी ले अपनी जिंदगी जी भर के। ये हुई ना बात। चलो अब सो जाओ। हाँ बस गाड़ी में ही बैठ रहा हूँ। अरे भाई निकल रहा हूँ अभी। हाँ शाम की मीटिंग फिक्स है, मैं पहुंच रहा हूँ। लक्ष्मी लक्ष्मी आई आई। शाम को रश्मिकांत के साथ बाहर जा रहा हूँ, घर लौटने में देर हो जाएगी। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात तो ये भी नहीं कि आपका लाडला अपने कमरे में खर्राटे ले रहा होगा। जाओ जाके जगाओ उसे। वही तो करने जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। What a body, sir. Just like a packet of open butter. Yes, yes. I'm sure you would love to buy it, do you? Yeah. ये कौन से साल का मॉडल है? 1979. लेकिन दिखता नहीं हूँ ना? ए भाई, मैं आपके बर्थ ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाड़ी के मॉडल के ईयर की बात कर रहा हूँ। और वो भी ये कार नहीं, वो जो नई आई है ना R8, वो चाहिए मुझे। आई एम सॉरी सर। क्यों? सर ये मॉडल के लिए आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। 2-3 दिन? अरे ऐसा मत बोलो यार, कोई चक्कर चलाओ। सर पॉसिबल नहीं है। देखिए आप जानते नहीं है मेरी बेटी को, उसका बर्थडे है आज, और मुझे किसी भी हालत में वो। सॉरी सर पॉसिबल नहीं है। नो सर नो। जय कपीसुति हु लोको उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो एक नींबू मिर्ची मुझे भी दो। कौन सी गाड़ी है सर? गाड़ी तो है ही नहीं, मेरे गले में बांधो। पता नहीं आज मेरा क्या होने वाला है। That's my girl. जीतती रहो बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे भाई केक लाओ। आइए केक काटते हैं। वाह। यस। वाह। और ये चाबी। एक मिनट पापा। क्या हुआ? Where is my car? मिल जाएगी। केक काटो। नो पापा, मेरी कार किधर है? ये कार तो है। मेरा मतलब है बड़ी वाली भी आ जाएगी। पहले केक काटो। देखो सब इंतजार कर रहे हैं। ये कार नहीं है सुहानी, सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मेरी कार है और मिल जाएगी। असली वाली। मुझ पे विश्वास। असली वाली। हाँ असली वाली। आपने प्रॉमिस किया था आज कार आएगी। मैंने किया था प्रॉमिस और मैंने बुक करवाई है। मुझे कुछ नहीं सुनना सुहानी। Where is my car? मैंने बुक की है बेटा, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया था। वेटिंग लिस्ट चल रहा है माँ। प्रॉमिस किया था इन्होंने। माँ रिक्वेस्ट की मैंने। हाँ लेकिन वो मेरा गाड़ी आ जाएगी। आपने झूठ बोला। मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप मुझे कार देने वाले थे। I don't like this. Where is my car? हनी तुम go away. आपने क्या मुझे बच्चा समझ के रखा? I don't like this car. सुहानी मेरी बात सुनो। सुहानी छोड़ दो मुझे। आपने प्रॉमिस तोड़ा है। You broke my promise. सुहानी देखिए मिस्टर रश्मिकांत, सुहानी का केस ला इलाज है। What I mean to say, it's a clear cut case of personality disorder. Medical terms में इसे IED कहते हैं, intermittent explosive disorder. डॉक्टर साहब क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं, कहीं भी किसी भी देश में इसका इलाज नहीं है। अमेरिका में भी 10 लाख से ज्यादा लोग इस रोग से पीड़ित हैं, और अपने इंडिया में गॉड नोज पता नहीं सिचुएशन कितनी खराब होगी। अब देखिए डॉक्टर साहब, मैं वो कुछ नहीं जानता,
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी सुहानी को ठीक कर दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर रश्मिकांत। रश्मिकांत जी, यू कैन डू वन थिंग, व्हाई डोंट यू गेट हर मैरिड? उसकी शादी करा दो। शादी? हाँ, हो सकता है शादी के बाद शायद सुहानी बदल जाए। कैसे? एक अनमैरिड और मैरिड लड़की के बिहेवियर में बहुत बड़ा फर्क होता है, एंड एज यू ऑल नो, लव इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। हो सकता है शादी के बाद मिलने वाला प्यार सुहानी के मेंटल डिसऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए एक सटीक इलाज साबित हो जाए। लेकिन रश्मि दोस्त, तुम भी कमाल करते हो, इतने दिनों में, सालों में कभी ये बात नहीं छेड़ी। अभी विपुल, मैं, अरे भाई एक बार तो कहकर देखते। नहीं नहीं, वो सुहानी की आदतें, उसकी दिमागी हालत। पा, अगर सुहानी मेरी बेटी होती तो क्या उसका घर बसाने में आप मेरी मदद नहीं करती? अभी तक तो हमने अपने अपने बच्चे संभाले हैं, अब हम सब मिलके दोनों बच्चों को संभालेंगे। तो फिर तैयारी शुरू कर दे। एनी प्रॉब्लम होने वाले समधी जी? नहीं, मैं सोच रहा था एक बार स्वागत से पूछ लेते हैं कि वो क्या। रश्मि, अरे भाई बच्चों की राय हम ले लेंगे, कौन मना कर रहा है? हम सब जानते हैं कि दोनों बचपन से साथ खेले हैं, हंसे हैं, झगड़े हैं, और मुझे हमारे बेटे स्वागत पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बात को कभी नहीं टाल सकता। हाँ तो फिर अगले हफ्ते ही आ रहा है मनसुख लंदन से, उसके बाद में ही डिसाइड कर लेते हैं एंगेजमेंट की डेट। ओके। छूने लगी हो। How are you, sister? I'm very good. लेकिन अभी थोड़ी अलर्ट हो गई। क्यों? सिंड्रेला का आदेश जो है कि रुमझुम को इतना प्यार देना कि वो लंदन का नाम भूल जाए। अच्छा अंकल, आपको अभी टाइम मिला इंडिया आने का? अरे मैं क्या करता, देखो बेटा देश आजाद हो गया लेकिन हम आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। ये स्वागत है या विपुल भाई का बेटा? वाओ, करेक्ट। और ये रुमझुम, राइट? हाँ, हाउ डिड यू नो? फेसबुक। वाओ, वेरी स्मार्ट। हाँ, चलो 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 चलो, बाकी बातें घर पे करते हैं। जरूरी है। देखा, इंडियन घर का टोल सिस्टम, रीति रिवाज, परंपरा। यस सिंड्रेला, ये भी ऐसा ही कहते हैं। इसका मतलब है कि सुहानी मुझ पर गई है और रुमझुम अपनी दादी पर, क्यों भैया? True. वो तो कुछ दिन के लिए यहाँ रुको, बाद में पता चल जाएगा कि सुहानी किस पे गई है। अच्छा सिंड्रेला, हो गया? चलो वेलकम टू माय रूम, लाइक इट? नाइस, थैंक यू। व्हाट इज दिस? व्हाट? This is Suhani style. Antique piece है। Yes. अच्छा सुनो, जल्दी रेडी हो जाओ, पार्टी करते। Oh no, Suhani, jet lag, not happening. Okay, तुम रेस्ट करो, मैं सिटी को अनरेस्ट करती हूँ। जब तुम पिछली बार यहाँ आई थी ना, 12-13 साल की थी, और अब देखो कितनी फैशनेबल हो गई हो तुम। क्यों दादी, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे आजकल तो सारे नौजवान बड़े फैशनेबल हो गए हैं। फिर तू तो ठहरी लंदन वाली, तू पार्टी शार्टी नहीं करती है? कहाँ दादी, पार्टी शार्टी के लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पहला कॉलेज, फिर साउथ एशियन कल्चर, फिर गिटार लेसन्स, डांस क्लासेस, कभी कभी मन पापा के ऑफिस में हाथ बटाना, और मेरा सबसे फेवरेट, वीकेंड्स में एनिमल्स की सेवा करना। अब बताओ दादी, कहाँ है टाइम? हाँ भाई, तुम तो बहुत बिजी रहती हो और इतने अच्छे अच्छे काम भी कर रही हो। हाँ बेटा, वेरी गुड। लेकिन देख, अब तू यहाँ आ गई है, यहाँ तो खूब मौज मस्ती करना, खूब घूमना फिरना,
बड़ा कमाल का है ये देश। वो तो है दादी, चेस से लेके सांप सीढ़ी जैसा गेम्स, योगा, आयुर्वेदा, मार्शल आर्ट्स का जन्म यहाँ पे ही हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति में, और सबसे ज्यादा मस्जिद भी यहाँ पे है, 3 लाख से ज्यादा। और तक्षशिला, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी भी इंडिया में ही थी। पता है दादी आपको, 2700 years ago वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। सारी दुनिया से आए हुए स्टूडेंट्स थे। जीरो से लेके स्टील, कई चीज इंडिया की देन है यार। और क्या कहूँ दादी, I just love India, I miss India so much। दादी कमाल हो गया। लो आ गई सुहानी। Tomorrow never comes, it's too late। हाय, आप लोग सोए नहीं अब तक? नहीं, दादी माँ के साथ बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। सिंड्रेला के साथ? वाव, रुमझुम यू आर सो स्वीट। बस हो गया, चलो अब सो जाओ। हाँ, मुझे तो बहुत बोर होता है। शी इज वेरी क्यूट बट वेरी ओल्ड फैशन। सुहानी बहुत हो गया, अब जाके चुपचाप अपने रूम में सो जा। ओके सॉरी, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय दादी। मेरे डॉक्टर का भी यही कहना है। ऐसे हालात में शादी वाला आइडिया एकदम परफेक्ट है। अरे भाई, हम तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ तो आ गया हूँ ना मैं, अब फटाफट सगाई, फटाफट शादी। अरे इस साल तुम्हारे दोनों के बिजनेस पार्टनरशिप की सिल्वर जुबली है। क्या है वो डेट? इसी महीने की 16 तारीख को। हाँ तो बस 16 को पार्टी, 16 को सगाई। हाँ पापा, पर सुहानी और मैं हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अरे तो कब तक बेस्ट फ्रेंड्स बने रहोगे? और बेस्ट फ्रेंड को जीवन साथी बनाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है बेटा, समझे? लेकिन माँ, माँ शादी के लिए प्यार भी तो होना चाहिए ना? नहीं नहीं, शादी करने के लिए प्यार की क्या जरूरत है? नहीं, शादी के बाद प्यार होना चाहिए, जैसे मेरा और इनका। देखो बेटे, अब कंफ्यूज होना छोड़ो और दूल्हे राजा बनने के लिए तैयार हो जाओ। हाय स्वागत। स्वागत? हाँ बोलो। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों बोरिंग सा मूड बना के रखा है? अरे मेरे भोले भाले वेजिटेरियन लल्लू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसी लड़की मिली। क्या मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया? तो उस दिमाग को बोलो कि बंद ही रहे और मुझे प्यार करना शुरू करे। हाँ, मेरे होने वाले वो सुहानी का केस ला इलाज। रश्मि गली, यू कैन डू वन, उसकी शादी करा दो। पर सुहानी और मैं हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हो सकता है शादी के बाद मिलने वाला प्यार सुहानी के मेंटल डिसऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए एक सही इलाज साबित हो जाए। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। तू कुछ मत कर, शादी कर ले। सही बोलता है। और प्यार, प्यार क्या होता है? प्यार इज जॉन्डिस। जिसको होता है प्यार, उसको दिखता है सब कुछ पीला पीला। अच्छे खासे पहलवान को भी कर देता है ढीला ढीला। वाह, सुबह से लेकर शाम जो लड़की लड़की करता, फिर इतने आंसू बहाता कि बाल्टी की बाल्टी भरता। क्या बात है। और मेरे दोस्त, पहले जो लगे अप्सरा, वो डायन होगी कल। उसकी माँ की आंख, प्यार तो है छमिया के नाम पे छल। तुम लोगों को ये सब मजाक लगता है? अरे नहीं यार, एक जवाब ठीक से नहीं दे सकते। अबे यार ऐसे। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अरे फंस गया यार। थैंक यू सो मच। प्यार की डेफिनेशन मैं खुद ही निकाल लूंगा, पर एक बात समझ में आ गई मुझे। क्या? शादी शादी होती है और प्यार प्यार। सही है। और तुम दोनों यूज़लेस। अरे बस ना यार, काहे तू पर यार मजाक करना। हाँ, दोस्तों का धर्म होता है।
लेकिन तू एक बात ध्यान से सुन, प्यार ना तिल का एक कंदिल है, रेगिस्तान में एक झील है, किसी को पाकर खुद को हमेशा के लिए खो जाना है, और तेरा प्यार है सुहानी, शायद इसलिए तेरी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया प्यार बनके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी और विपुल की ओर से यहाँ आज आप सबका स्वागत है। और भी एक खास बात है, खास वजह है आज की इस पार्टी के लिए, और वो ये है कि हमारी 25 साल की पार्टनरशिप के साथ साथ आज पहली बार हम लोग रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। थैंक यू। अरे बच्चों, अब आगे का कुछ शेड्यूल बना लें। हाँ, और शेड्यूल की जहां तक बात है तो ये सात फेरे वाला शेड्यूल तो हम लोग बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठ के बना लेंगे, लेकिन अब मुहूर्त में कुछ वक्त है तो मैं ये सोच रहा था कि आप सब क्यों ना कहीं घूम आए। हाउ इज द आइडिया? वंडरफुल आइडिया अंकल। हाँ, और रुमझुम की इंडिया देखने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलो बताओ कहाँ घूमने जाना है आप लोगों को? अमृतसर। अबे घूमने जाना है, तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना है। अभी चल। महाबलेश्वर ना। गुजरात जाते ना। नो, व्हाई नो यार। एक मिनट रुमझुम, बेटे तुम बताओ कहाँ जाना है घूमने? राजस्थान। क्या बात है, दोनों ने साथ में बोला तो तय हो गया। राजस्थान। तू पहले ऊंट गाड़ी चलाता था ना? आपको कैसे पता चला साहब? तेरी शक्ल से ही पता चल गया मेरे को। अबे देख, अबे देख सामने देख, भैंसे मत गुस्सा। अबे आराम से। ये क्या कर रहे? तू विस्की पी के आया ना? ना साहब ना। ओ मारा तो रम पियो है रम। तू रम पी के आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे ड्राइवर बेवड़ा है। लो जी हुकुम साहब, आ गया आपका लवने। देवा जिंदा पहुंच गए रे बाबा। आजकल गेट पे भी लात मार रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू लव। थैंक यू। कैसे रहे आप सबके जर्नी? लवली। दिस इज द प्लेस माय लव नेस्ट इज। व्हाट अ ब्यूटी। बस अगले कुछ दिन आप यहाँ मेरे साथ लव नेस्ट में बिताएंगे। मैं हूँ अनन्या, इस लव नेस्ट की ओनर। विपुल मेरा दोस्त है। जी हाँ, वो पापा ने बताया था आप लोग कॉलेज में साथ में ही थे। मैं स्वागत। हैंडसम हंक। थैंक यू। एंड दिस इज सुहानी। विपुल के दोस्त रश्मिकांत अंकल की बेटी। और ये है मनसुख अंकल की बेटी रुमझुम। मिस्टर लंदन्स क्यूटी पाई। थैंक यू। और मैं पंजाब दा इकलौता परमत सिंह। और ये मेरी लाइबिलिटी जस्सी। ओए हेलो। हाय। केंडे के साथ मिर्ची फ्री है। और ये कौन है, गोरी चिट्टी? ये गोरी? अरे ये तो मेरे प्यार की इंपोर्टेड चिट्टी है ना? हां यस। अरे आप बोल रही? नोट नो नो। वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है लव नेस्ट में। आइए चल 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 चल
और कुक का भी। डैडी से कहूंगे कि शादी में उसी को बुलाए केटरिंग के लिए। गुड आइडिया। वैसे आप दोनों उसे शादी में नहीं भी बुलाओगे ना तो भी वो आपकी शादी में आने वाली है, क्योंकि ये डेकोरेशन, ये खाना, सबका क्रेडिट जाता है रुमझुम को। नाइस रुमझुम। ब्यूटीफुल। थैंक यू, मुझे ये सब अच्छा लगता है। वैसे आप लंदन में भी रेस्टोरेंट चलाती होंगी, क्यों? नहीं, पर लंदन का एक कल्चर है अच्छे फूड को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का। फूड कुक्ड वेल हैज टू बी सर्व्ड वेल। मैंने सिर्फ वो किया है, सिंपल। ये ना सिंपल सिंपल बोल के हम सबको सरप्राइज देती जा रही है। लगता है घूमने नहीं, लंदन की मार्केटिंग करने आई है। स्वागत। जस्ट किडिंग यार। वैसे ये हम सब की तरफ से आपके लिए और आपके ब्यूटीफुल फूड कल्चर के लिए। आखिर बहन किसकी है? गेंडे ने डकार ली। क्या सोच रहा है? क्या मायला स्वागत, एवढं कुसून काय बघतोय मला पण दाखव। हायला रुमझुम। लंदन में रहकर रुमझुम ऐसी है, यही अगर इंडिया में रहती तो तुम बिल्कुल मुझ पर गई होती, या फिर मैं तुम पर। मजा नहीं आता। मजा तो इसमें है दैट यू आर डिफरेंट एंड आई एम स्पेशल। व्हाट से निकी? नथिंग अंटिल आई लर्न हिंदी। अच्छा, आपने शादी क्यों नहीं की? बजट ही नहीं था। Huh? What? Really? मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी, उसी चक्कर में शादी के लिए टाइम का बजट ही नहीं रहा मेरे पास। खैर जाने दो, शादी नहीं की तो क्या हुआ, लवनेस तो बनाया। प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, प्यार करने वाले को सेलिब्रेट करने का सुकून तो देती हूँ मैं। चलो अब बहुत बातें हो चुकी, कल सुबह जल्दी उठना है, आप लोगों को घूमने भी जाना है। चलो चलो उठो, कम ऑन। ओके लेट्स गो। ओके चलो, गुड नाइट गाइस। भोर भैयार कोयल जागे, भोर भई फोटोज खींच रहा था। अच्छा, नमस्ते, वेलकम, वड़कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।
जयपुर से मन्नेलाल गाइड आपका स्वागत करता है। नमस्ते, पधारो साहब। हाँ, तुम मन्नेलाल? हाँ। तुम मन्ने काला? बड़े मजाकिया लगते हो। तेरे पे गए। चल, पधारो साहब, पधारो साहब, पधारो गेंडामल जी। ये है सिटी पैलेस, कहते हैं ये जयपुर का हार्ट है। इस पूरे शहर का निर्माण भारतीय वास्तुशास्त्र और शिल्प कला के नियमों अनुसार किया गया था। जानते हैं इनके आर्किटेक्ट कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जी, वे बंगाली ब्राह्मण थे। क्या बात है भाई जी, आप जयपुर से हैं? महाभारत से हैं, सहदेव की लेटेस्ट वर्जन। आप भी कमाल करते हो साहब। देखिए, हाँ तो पिंक सिटी का एको, ब्लैक सिटी का एको नहीं? क्योंकि 1906 में जयपुर की हर दीवार को पिंक यानी गुलाबी रंग से रंग दिया था। उस वर्ष प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आए थे। अच्छा। जयपुर को देख के प्रिंस के मुंह से निकल गया, वाओ पिंकी। पिंकी पिंकी नहीं, पिंक सिटी। तब से जयपुर मशहूर हो गया पिंक सिटी के नाम से। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, आइए पधारिए। आइए। अरे अरे कहाँ ले गए? अरे अरे ओए फोटोग्राफर, क्लिक क्लिक। आँखों में बसा लूँगा, सांसों में समा लूँगा। Miss you every moment. So
राजस्थान की रेत की तरह मेरा दिल मेरे हाथों से सरकता जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। Very dancing. नहीं। दारू पीने की एक्टिंग। हाँ, बेवड़ी बन। You. गाना गाओ ना। Wait. हम रुमझुम को कोई स्पेशल पनिशमेंट देते हैं। Come on, आप बोलिए। Okay, रुमझुम, तुम ये सोच लो कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। क्या नानिया आप भी? और लड़का है। स्वागत। मैं क्यों? पिंटू तू जाना। अबे मैं नहीं, मैं तो जब मेरी फिरंग कबूतर जाएगी ना तब जाऊंगा। हाँ, तू जा। अच्छा लेकिन कम ऑन रुमझुम, ये है तुम्हारा प्यार। टेम्पररी है, पनिशमेंट के बाद वापस दे देना। रुमझुम, तुम्हें उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना है। अरे प्लीज कोई और पनिशमेंट दो ना। नो, कोई और पनिशमेंट नहीं, यही करना होगा। कम ऑन, यू कैन डू इट, है ना? ये प्यार क्या है, क्यों है, कब होता है? क्या बात है रुमझुम, सही जा रही है, सही जा रही है, लगी रहे। चुप। हे, डिस्टर्ब मत करो। ओके सॉरी। कम ऑन, यू कैन डू इट। वो एक पल जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तब जाके अपने आप को जाना कि मुझ में जो कम था वो तुम हो। कितना अनयूजुअल है ये एहसास। मेरे वजूद को एक नया मतलब मिल गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। Because I'm in love with you, Swagat. I love you. Very, very much. Wow! You guys superb! I just can't believe it, Rumchu. क्या परफॉर्मेंस है, तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। वाओ! और तुम उल्लू डरपोक, यू के यू खड़े रहे बड़ी बड़ी आंखें करके। लुक एट रुमझु, बट इट्स ओके, इट्स नेचुरल। मैंने ना सामने अदब से तुम भी छा जाते। कम ऑन, यस, दम घुट रहा है सुहानी, उठो ना, मोटी हो गई हो यार, जिम में जाना शुरू करो। अरे और तुम क्या करोगे, एक्टिंग रुमझुम के साथ? जेलस?
और तुम चांस मारो। कुछ भी। हाँ मुझे पता है तुम रुमझुम से प्यार करते हो। डरा दिया ना। पागल हो गई हो। कुछ भी वक्ती रहती हो। पागल तो हूं, अगर तुम्हें किसी और के साथ दिखूंगी तो न जाने क्या कर बैठूंगी। हो गया। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। कल फिर रंगा देवी जाना है। ओ नो, रंगा देवी फिर से एक हिस्टोरिकल प्लेस। रंगा देवी एक वीरांगना थी। इनके हृदय में एक ही शब्द गूंजता था, वो था प्यार। एक ऐसा प्यार जो एक मिसाल बन गया। वो धनिक घराने से थे, किंतु उनको प्यार हो गया था एक गरीब सैनिक से। इसी पेड़ के नीचे वो दोनों मिला करते थे। ये बात उनके पिता को पसंद ना आई, उन्होंने छल किया और शादी का वचन देके उस सैनिक को एक वीरान जगह पे बुलाया और उसका वध कर डाला। इस बात से अनजान रंगा देवी इसी पेड़ के नीचे अपने प्रेमी का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते महीनों तक यहां बैठी रही और आखिर में इसी पेड़ के नीचे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सही प्यार करने वालों को आज भी रंगा देवी की आवाज सुनाई देती है। What? इस पेड़ पर चुनर बांधकर सच्चे दिल से जो भी प्रार्थना करता है उसे अपना प्यार अवश्य मिलता है। बैसा बैसा चुनर ले लो ना, चुनर ले लो ना बैसा। रंगा देवी आप दोनों की जोड़ी सलामत रखेगी। ओ नो, ये सब बकवास है। ये किसी चुन्नी वाले मैन्युफैक्चरर की साजिश है। सुहानी, मैंने चुन्नी बनी बांधने वाली। अगर तुम नहीं मानती तो कोई बात नहीं ना, लेकिन जो लोग मानते हैं उनकी श्रद्धा की रिस्पेक्ट तो करो। मैं तो इसमें ज्यादा ही मानता हूँ। बेटा मेरे को एक दर्जन देना। क्या है ना, ये नहीं मानी ना तो 12 बांधूंगा, तो कोई ना कोई तो पटी जाएगी ना। दे दे बेटा, सारी दे दे, सब सच है। टोपली भी दे दे, तू घर जा। कम, थैंक यू, प्लीज जाओ। आओ हैप्पी, कम।
रिश्ता पुराना जन्मों जन्मों से आना जाना मन के मन का मीत रे जब ये नहीं थे चांद सितारे ना थी नदिया सागर किनारे तब से अपनी प्रीत रे तब से अपनी प्रीत रे तू मेरी कहानी मैं तेरी जुबान 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 पन्ना मीना की बावड़ी कहते हैं ये पन्ना मीना बावड़ी का पानी कभी सूखा नहीं अरे यार बकवास है मुझे नहीं सुनना है सब मैं जा रही हूँ मन्ने लाल तुम पागल कर दोगे सबको राजा जयसी ने इस चमत्कारी पन्ना मीना बावड़ी का निर्माण करवाया था कभी कुआं दिखा रहा है कभी गड्ढा दिखा रहा है अरे पब ने दिखा था कभी राजस्थान के गुडविल खराब कर देगा देखिए ये बावड़ी इस किले के सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाती थी और अरे कुएं को छोड़ो कुआं क्या प्यास बुझाएगा प्यास तो ये बुझाता है सही बोल रही है सुवानी सही बात पागल लोग हैं क्या टाइम पास कर रहे हो यार लेट्स गो एंड पार्टी सुवानी क्या कर रही हो तुम्हें कहा है ना कि अगर तुम्हें पीनी है तो बस में बैठकर पियो प्लीज इट्स वेरी बोरिंग यार बट या सोडी बोर हो रही के तो हम आ जाए कंपनी देने के लिए हां ओए कौन है यार कंट्रोल सुहानी थैंक यू भाई साहब आप अपना ध्यान रखिए हम अपना ख्याल रखेंगे चलो हां ओ अजी सुनिए तो सही ओ भाई साहब तेरे पास तो और भी मशीन है संभालने को हैं ये है वो है और वो देख पूरे के पूरी फिरंगी लागे हैं ओए स्पेयर पार्ट तो देखो इसका पूरे का पूरा टाइट लगे क्या बकवास कर रहे हैं आप छोड़िए साहब ये लोग यहाँ के शातिर गुंडे हैं हमें चलना चाहिए ओए होए तू बड़ा साहूकार बन रहा है हाँ चलिए निकी यू देख लेंगे तुम्हें रुक भी जाओ भाया चले जाना जल्दी क्या है क्या करते हो अतिथि भगवान होता है इसीलिए तो हमें भी पूजा करने का मौका दे दे बेटा हाथ मत लगाना अच्छा और लगा दिया तो सीधी बात समझ में नहीं आती ओए तू जानता नहीं है मेरे को Yeah.
अबे रुको, भागते कब? सुहानी बोलो, स्वागत स्वागत बतो जो जो सुहानी तुम भी हाँ सुहानी दिखाओ. थैंक यू थैंक यू. पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करो. आज तुमने मेरे लिए जो किया है ना, अपनी जान खतरे में डाल दी. अगर तुम मेरे जगह पे होती तो क्या करती? पता नहीं, आई मीन आई डोंट नो. मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं है और सिर्फ लेने की आदत है. किसी को हेल्प करना, मदद करना मेरे पल्ले नहीं पड़ता. तुम्हारे बर्थडे का ही देखो, मेरे हर बर्थडे पर तुम गिफ्ट भेजती हो. मैंने कभी दिया है कुछ तुम्हें? हम्म, लेकिन तुमने आज जो मेरे लिए किया है ना, पता नहीं उसका कर्ज कैसे उतारूंगी. क्या दूंगी तुम्हें? वेयर सुहानी. सुहानी चलो ये लेप लगा लो, सुबह तक तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा. नो, ये क्या है? ये लेप है, देसी इलाज है, लगाओ. गोबर जैसा लग रहा है. सुहानी ये तुम्हारे लिए अच्छा है, प्लीज लगाने दो. नहीं नहीं, मुझे एक अच्छी ठंडी बियर दे. बियर का नाम भी लिया ना तो. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए. अरे सुहानी प्लीज यार, दो मुझे, बाय. सो गई. सुहानी सुहानी टॉवल दीजिए. सुहानी सुहानी गिव मी अ टॉवल नाउ. स्लीपिंग ब्यूटी उठो. सुहानी टॉवल प्लीज. फाइनली ओह गॉड, क्या कर रही थी? दो. सुहानी प्लीज, नीचे आ जाओ प्लीज. सुहानी नो.
सुहानी मेरी बात सुन रही है, प्लीज तुम गलत समझ रही हो। ओके 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 प्लीज प्लीज नीचे आ जाओ। सुहानी आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को गुस्सा आने पर कुछ भी हो सकता है। सी हैज ए रेयर एंड कॉम्प्लिकेटेड डिजीज। खैर मैं ये कुछ दवाइयां एडवाइस कर रहा हूं, आप इन्हें दे दीजिए। जी डॉक्टर, थैंक यू। कोई गलती नहीं है सुहानी। सुहानी इज नॉट वेल। अपने आप को दोष देना बंद करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये प्लीज अपनी सुहानी को कुछ हो जाए। वाहे गुरुदा शुक्री कहो कि सुहानी 3 दिन में ठीक हो गई। हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, वो मुन्ना भाई वाला केमिकल लोचा कुछ तो हो रहा। लेकिन ऐसा कैसा लोचा यार, किधर भी बेहोश हो जाती है, काय को? मैनू के पता, लेकिन कोई तो वजह होगी। वजह तो मैं नहीं जानती, पर शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसे प्यार होने की खुशी कम और पछतावा ज्यादा है। सुना था दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन आज आज मैं समझ रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ कि जब दिल में प्यार का दरिया उमड़ आता है तब ये दिल किस तरह एक अलग सी दुनिया बन जाता है। Choo-ah!
बेजुबान इश्क ये क्या पता ले जाएगा कहाँ, बेजुबान इश्क ये ये मैं क्या कर रही हूँ? I have to stop this. मुझे भी नींद नहीं आ रही एक्चुअली. चार दिन हो गए फिर भी नाराज हूँ. मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, सिंड्रेला का प्रॉमिस ब्रेक किया है. सुहानी ऐसा नहीं है. मैंने तुम पर शक किया, स्वागत पर शक किया. जो मैंने देखा वो सच नहीं है ये जानते हुए भी सच हो ही नहीं सकता. नेवर. पर क्या करूं, दिल को दिमाग नहीं होता ना, सिर्फ जज्बात होते हैं, सेल्फिश जज्बात. समझो मुझे प्यार करना आता है, निभाना नहीं. सुहानी एक्चुअली I'm sorry. I'm very sorry. मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस. I'm very sorry.
स्वागत। I'm sorry. तुम खुश रहो, सब खुश रहेंगे, बस अपना ध्यान रखो। मैं किसी को कभी तकलीफ नहीं दूंगी, प्रॉमिस। देख लेना, सुहानी जैसी कोई नहीं होगी, और हो भी नहीं सकती। गुड नाइट। गुड नाइट। ये ठीक नहीं है स्वागत, गलती हम कर रहे हैं और माफी सुहानी मांग रही है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। रुक जाओ, मैं हुकुम साहब, मैम साहब बुला रही है। रात को तुम जाग रहे हो या ये रात तुम्हें जगा रही है? जी देखो ना, कल तुम सब लोग वापस चले जाओगे, तो ऐसे ही मैंने सोचा आप तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी गपशप कर लूं। बहुत गहरी सोच में हो। हेलो मैन, क्या हुआ? नथिंग। यू कैन टेल मी। हम किसी से प्यार करें वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन हम उसकी किसी फीलिंग को हर्ट कर बैठे, उसकी फीलिंग्स जिससे हम प्यार करते हैं, तो नींदें हराम हो जाती है। मेरी भी हो गई थी कॉलेज के टाइम, मुझे भी प्यार हो गया था तुम्हारे डैड के साथ। हाँ, और क्यों ना हो, माँ का जवान था, absolutely handsome, पर मैं भी कुछ कम नहीं थी, मैं भी बहुत ब्यूटीफुल थी, रुमझुम की तरह। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहा मुझे रुमझुम का नाम सुनकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर जाने दो, मैं अपनी कहूं तो मैं तो कभी अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाई। कॉलेज खत्म, प्यार खत्म, सब कुछ खत्म, बट आई विश तुम हमेशा खुश रहना। टेक केयर। गुड नाइट। लेकिन हाँ, तुम्हारे दिल में कुछ और है, किसी और से प्यार है, तो यू बेटर हैव अ सेकंड थॉट। प्यार में दीवानापन अच्छा होता है, लेकिन बगैर प्यार का दीवानापन बहुत बुरा। दो मिसमैच की शादी दोनों परिवार को तहस नहस कर देती है। विश won't happen to you. Good night. Okay, relax. Hello. Hello. Parvat. Ji. लोग जीने के लिए खाते हैं और अब खाने के लिए जीते हैं, तो फिर जीते रहो तो सही और खाते रहो। अरे क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सत श्री अकाल जी, चलो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, ऑल वेल सुहानी, दिल भी और दिमाग भी। जी
देखो सुहानी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ की सिर्फ अच्छी बातें याद रखना। सुहानी, वो छोटा सा हादसा, प्लीज भूल जाना उसे। जी जरूर। बाय बाय। मैं अकेले खुद को रोकना चाहूँ तो भी नहीं रोक पाऊंगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन रुमझुम, वो फियांसी है तुम्हारी, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है उसके प्रति, हमारे परिवारों के प्रति। लेट्स गेट ओवर आवर फीलिंग्स स्वागत। जज्बात की आंधी में अंधे नहीं हो सकते हम, पर हम हमेशा दोस्त रहेंगे। पंचर पड़े हो सामने ढाबो है, कुछ चाय पानी नाश्ता कर लो, जब तक मैं टायर बदल लेता हूँ। लंदन के गेस्ट आ रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? तू जरा भी चिंता मत कर, लंदन से आने वाले तेरे हर गेस्ट को बहुत ही आराम से यहाँ, और होटल भी तो है यहाँ पे। अरे यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे भाई हद हो गई, मेरी धमाल और मस्ती दोनों यहाँ हाजिर है, फिर भी इतनी चुप्पी क्यों है? हाँ। बोलो बोलो बोलो। रुमझुम बेटा, लगता है दोनों ने मौन व्रत धारण कर लिया है। बोलो। बड़े पापा, दादी, इनको कुछ कहो ना। अरे तुम दोनों जब घूम फिर कर आते हो, क्या थकते नहीं हो? अब ये दोनों थक गई हैं, आराम करने दो ना। अरे आराम की बात छोड़ो माँ, जब ये दोनों वो खुशखबरी सुनेगी ना तो फिर देखना। सुनाएंगे सुनाएंगे खुशखबरी, थोड़ा सब्र तो करो। अरे जब से ये शादी की तारीख तय हो गई है, मेरा तो पेशेंस ही खत्म हो गया है।
अरे मेरा बस चले तो रुमझुम के लिए भी लड़का ढूंढ लूं और दोनों बहनों की शादी धूमधाम से एक ही मंडप में कर दूं। डोंट वरी चाचू, मैं हूं ना, रुमझुम ने मेरी शादी की जिम्मेदारी ली है, उसकी शादी की जिम्मेदारी मैं लेती हूं। वाह, बस 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 बस, ये डिस्कशन यहीं स्टॉप करो और बोलो सुहानी की जय। बगैर प्यार का दीवानापन बहुत बुरा। दो मिसमैच की शादी दोनों परिवार को तहस नहस कर देती है। नहीं रोक पाए खुद को, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं जानती हूं कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकते। मैंने सबको बता दिया है स्वागत कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। I love you, Swagat. हेलो, अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, इतने घबराए हुए क्यों? नहीं माँ, वो कुछ सपना। हाँ, शादी से पहले तरह तरह के सपने आते ही हैं। नहीं माँ वो। हाँ हाँ वो... बस बस, जो कुछ भी बोलना है ना उससे कहो जिसे तुम प्यार करते हो, मुझे नहीं। और चलो जल्दी चलो, शॉपिंग के लिए जाना है। कमर पहन गिरा फरी अब। अच्छा वो वाला दिखाओ। ये वाला मैडम? नहीं वो नहीं। हाँ वो जी मैडम, पीला हरा और लाल तीनों दिखाओ। तीनों कलर जी। येलो भी? नो येलो। ये कैसा है? ये भी बढ़िया है। ये हरा वाला भी देख लीजिए। रुमझुम ये कैसा है? इट्स नाइस। नाइस क्या कर रहे हो वहाँ पे? Nice. तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? क्या नाइस नाइस, यहाँ आओ इनमें से। ये लाल वाला भी देख लीजिए मैडम। ये कैसा है? एक बार फोन उठा लो। सुहानी दिस इज नाइस। नाइस? या एक्चुअली दिस इज स्वागत फेवरेट कलर। इतना अच्छा सिलेक्शन तो मैं भी नहीं कर पाती। और ये भी दे। हेलो रुमझुम, देखो हमारा बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज। हमने सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया है ना, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। प्लीज मुझे इस तरह बार बार फोन मत कीजिए। रुमझुम एक बार। अरे कौन है? सिंड्रेला? नहीं राजकुमार, तुम्हारा राजकुमार। स्वागत। हाय स्वागत, मेरे फोन पे फोन क्यों नहीं किया? नहीं वो ट्राई किया था मैंने, तुम्हारा नेटवर्क शायद लो है। ठीक है जाने दो। पता है मैंने सारी शॉपिंग कर लिया और तुम्हारे लिए एक शेरवानी भी खरीदा है। अच्छा? हाँ, और उसका सिलेक्शन रुमझुम ने किया है। शी इज वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। ओके सी यू, बाय बाय।
राम राम क्या 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 सोनी हाँ see this it's lovely like it I do thank you I'll see you later yeah बर्थडे बेटा क्या बात
सही में खूबसूरत है यार डॉल। कल सुहानी की शादी से पहले ये इस घर में आखिरी सेलिब्रेशन है, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। आइए केक काटते हैं, कम चलो चलो। क्या हुआ बेटा? सुहानी कहाँ है? अरे हाँ, वो हमारी दूसरी प्यारी डॉल कहाँ गई? वो देखो। अरे वाह, कुछ गड़बड़ है भाई, साड़ी पहन के आई। हाँ तो फिर। अरे वाह सुहानी, कितनी प्यारी लग रही है तू, आजा आजा। Thank बहुत सुंदर लग रही हो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Not me, पहला हक स्वागत का है। वाह वाह, चुक चुक जियो मेरे बेटे। देखा माँ, इसे कहते हैं संस्कार। शादी से पहले ही स्वागत का कितना आदर करती है। हाँ, हमारी सुहानी थोड़ी बदल गई है। अरे थोड़ी नहीं, बहुत। न ड्रिंक्स, न लेट नाइट घूमना, न तुम्हें सिंड्रेला सिंड्रेला कहकर बुलाना। अब बोलो। ये इसका बचपना था। सिंड्रेला। देने को तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, बट आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। और ये मेरी तरफ से, मेरी प्यारी सिस्टर। रुमझुम, मैं चाहता हूँ तुम मेरे एक खास दोस्त से मिलो। ओके। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। क्या बात है? पैम्परिंग, एडवाइस, प्रोटेक्शन, सब कहाँ चला गया? तुम आजकल इतना शांत रहने लगी हो, मौका कहाँ देती हो मुझे कुछ कहने का? अच्छा, तभी मौका क्रिएट करती हूँ। मुझे लॉन्ग ड्राइव लेके चलो। You mean अभी? अभी इसी वक्त। सुहानी पार्टी चल रही है, बहुत सारे लोग आए हैं। It's okay। अरे सुहानी। कब से ड्राइव कर रहे हैं? बोलोगी कहाँ जाना है? बहुत दूर, इतनी दूर जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो। आज बियर वेयर नहीं लेनी? ऑलरेडी नशे में हूं। नशा? कौन सा नशा? प्यार का नशा। वैसे तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा है, मुझे पता ही नहीं था। कहां छुपा रखा था इतना सारा प्यार? सुहानी पता नहीं तुम। देखा, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे सब पता होता है लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता। शादी से पहले इतना प्यार करते हो, शादी के बाद ऐसे ही रहोगे ना? मैं सुहानी। स्वागत। मुझे वादा करो तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारा प्यार कभी नहीं बदलेगा। प्रॉमिस मी, तुम ऐसे ही रहोगे। वादा करता हूं। स्वागत, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मेरी खुशी से बढ़कर थी, है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगी।
पे स्वागत। I really love you. I love you, स्वागत। I love you. सुहानी की आंख में आंसू? जी, कल मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा, चले नाइट। हाय रुमजू, प्लीज ओपन दिस गिफ्ट टुमारो मॉर्निंग। तुम्हें मेरी कसम, लव यू माय डियर सिस्टर। गिटार का तार टूट जाए तो उसका यह मतलब नहीं होता कि उसमें संगीत नहीं रहा। दो लोग अगर एक दूसरे के ना हो पाए तो उसका यह मतलब नहीं कि उनमें प्यार नहीं रहा। प्यार तो रहेगा ही, बस उसे निभाया नहीं जा सकेगा। वक्त के साथ टूटे हुए तार भी जुड़ जाते हैं। कोई ना कोई जरूर आ जाता है जिंदगी में जो बेजुबान इश्क की जुबान बन जाता है। मेरी यह दुआ है कि तुम्हारी हर दुआ पूरी हो, हर सपना पूरा हो इस एक सपने के टूट जाने के बाद। हैप्पी बर्थडे रुमजू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। सच्चे दोस्त से यही उम्मीद थी
मैं खुश रहूंगी, खुश रहने की कोशिश करूंगी। तुम सुहानी को खुश रखना। बाय स्वाग। बाय। हाय स्वागत। क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक? कमाल है, कल शादी है और देखो तुम अब तक सोए नहीं हो। क्या हुआ, चुप क्यों? तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं तो बोलती रहती हूं, पचर पचर करती रहती हूं, लेकिन ये कॉल वो नहीं है। ये रिमाइंडर कॉल है कि बच्चू कल शादी है और ये ब्यूटीफुल फेस सबसे पहले तुम देखोगे। अगर तुम लेट आए और किसी और ने मेरा चेहरा पहले देख लिया तो तुम्हें मेरा गुस्सा तो पता ही है। तो विदाउट फेल जल्द से जल्द गुड मॉर्निंग करने आ जाना। ओके, लव यू। सुहानी को मैं अंधेरे में नहीं रख सकता, सुबह होते ही उसे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। माय डियरेस्ट लकी सिस्टर, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत खूबसूरत हो तुम, चेहरे से और दिल से भी। हमारे राजस्थान जाने के बाद मैंने बिल्कुल नए सिरे से जाना। तुम वो बहन हो जो भगवान सिर्फ किस्मत वालों को देता है, जैसे कि मैं। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है जिसका कोई कंपैरिजन इस दुनिया में नहीं है, और मैं लकीस्ट हूं कि मुझे स्वागत मिला, भगवान का बनाया हुआ आखिरी परफेक्ट लड़का। राजस्थान में मुझे पहली बार पता चला कि स्वागत का प्यार कितना नेक है। मैंने सोचा कि ये प्यार सिर्फ मेरा है, लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। सच ये है कि स्वागत मेरे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। तभी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि स्वागत तो उसी का होना चाहिए जिसे वो प्यार करता हो।
और स्वागत का प्यार सिर्फ तुम हो। यह सच है कि स्वागत को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, लेकिन स्वागत तुमसे ज्यादा प्यार किसी और को नहीं कर सकता, मुझे भी नहीं। अच्छा हुआ रुमझुम कि शादी जैसा बड़ा रिश्ता जुड़ने से पहले मुझे रियलाइज हो गया, इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया कि तुम्हारी हर साल भेजी हुई गिफ्ट के बदले में मैं तुम्हें स्वागत गिफ्ट करती हूँ। स्वागत तुम्हारा हुआ माय सिस्टर, लेकिन मेरे लिए स्वागत के बिना जिंदगी सोचना इम्पॉसिबल है। मुझे विश्वास है कि मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। तुम ये डायरी पढ़ रही होगी तब तक शायद से आंसू की एक भी बूंद गिरेगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। एंड यस, सिंड्रेला तो कहती है कि किसी को नाराज करके विदा नहीं करते। वैसे एक बात से मैं बहुत नाराज हूं, तुम यार इतने साल मेरे आगे पीछे घूमते रहे फिर भी मेरी कोई अच्छी बात नहीं सीखी। सीखते तो मुझसे साफ साफ कह देते कि मैं तुमसे नहीं रुमझुम से प्यार करता हूँ। तुम तो साइलेंट फिल्मों के जमाने के हीरो जैसे हो यार, इसीलिए मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ा। मेरा स्वागत हमेशा हमेशा खुश रहे उसका इंतजाम करना पड़ा। देखो, मैंने मेरी लाइफ का एक एक पल जी भर के एंजॉय किया है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम और रुमझुम उसी तरह जिंदगी जियो, फुल सुहानी स्टाइल। मैं जानती थी कि मेरे जीते जी आप दोनों कभी नहीं मिल पाओगे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। आई लव यू स्वागत फॉर एवर। स्वागत, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मेरी खुशी से बढ़कर थी, है और हमेशा के लिए रहेगी। Sorry.
गाए दिल हर पल इतिहास